तरफ दिल झुकने लगे, एक तरफ दिल झुकने लगे, बात आकर जुबा तक रुकने लगे, आंखों आंखों में इकरार होने लगे। तूने इतना अच्छा गाया कि मेरे को आने के लिए मजबूर कर दिया। जीने को क्या चाहिए, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जयगांव टुडे में। तो आज हमारे बीच एक खास शख्स मौजूद है जो हमारे जयगांव शहर से ही है और इन्होंने स्टार जलसा में काफ़ी धूम मचाए हुए हैं। तो काफ़ी आवेदन के बाद वो आज हमारे बीच उपस्थित है। आइए बात करते हैं, उनका नाम है सुभाष विश्वकर्मा जी और हमारे जयगांव से है। नमस्कार सुभाष जी। नमस्ते। तो मैं सुभाष जी से आज कुछ खास बातें करूंगा और कुछ जो राज की बातें हैं वह मैं उनसे निकालने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आप आज का जो ये हमारा जो खास इंटरव्यू सुभाष जी के साथ है, जरूर देखते रहिएगा दोस्तों। तो हम अभी इनका परिचय कर दें दोस्तों। ये हमारे स्टार जलसा में जो एक कार्यक्रम आता है सुपर सिंगर्स सीजन 3, उनमें इन्होंने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया था दोस्तों और हमारे पूरे पश्चिम बंगाल में एक इनका अलग पहचान बन चुका है दोस्तों। आज एक सुपर स्टार के रूप में ये जाने जाते हैं दोस्तों, हम बता दें। तो सुभाष जी, आपका ये जो सफर है कैसे शुरू हुआ, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो सभी जितने भी जयगांव टुडे के व्यूअर्स है उनको शुभ दीपावली और आपको भी। और बोलूँ तो मैं क्या बोलूँ, इसमें बहुत सारे यादें जुड़े हुए, मेरे मेमोरीज जुड़े हुए। और जब मैंने मतलब ये जो सुपर सिंगर में मैं एक कंटेस्टेंट था, तो शुरुआत कैसी हुई, तो सबसे शुरू से बोल रहा हूँ मैं, ये म्यूज़िक में तो स्कूल लाइफ से ही शुरू हो गई थी। तो जब मैं हम लोग वही क्लास सिक्स सेवन में था, तो आहिस्ता आहिस्ता गाते गाते बस दोस्त लोग के साथ गाते, स्कूल शोज वगैरह, छोटा छोटा जो इंडिपेंडेंस डे वगैरह में शोज वगैरह होते थे, टीचर्स डे होते थे तो उसमें गाते थे। तो ऐसे ही करते करते थोड़ा मतलब म्यूज़िक के ऊपर में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया। चलो कुछ सोचा स्कूल के बाद कुछ म्यूज़िक में कुछ करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही गाते रहा गाते रहा गाते रहो, तो शोज वगैरह छोटा मोटा शोज मिलने लगा तो करते रहा। तो उसके बाद मैं 2013 में जब मेरा कॉलेज लाइफ मतलब कंप्लीट करने के बाद मैंने सिलीगुड़ी शिफ्ट किया, तो उसके बाद वहाँ पर भी मैंने स्ट्रगल किया, जयगांव में भी स्ट्रगल कर रहा था, सिलीगुड़ी में भी स्ट्रगल किया। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने अपना एक बैंड फॉर्म किया जिनका नाम वेदांत बैंड है। तो बाद में फिर मैंने चेंज करके उसको सुभाष द वेदांत रखा, तो अभी इनिशियली वो चल रहा है। तो बैंड मेरे बैंड मेंबर्स फॉर्म हुए, हम लोग 4-पीस बैंड थे। तो ऐसे ही शोज वगैरह करते थे, करते रहा, मतलब अच्छे अच्छे शोज मिलने लगे थे और मतलब सिलीगुड़ी में बहुत सारे लोग मतलब पहचानने लगे थे बैंड को कि हाँ एक बैंड है बोल के। तो आहिस्ता आहिस्ता करके चल रहा था शोज वगैरह, हम लोग बहुत सारे शोज कोलकाता बाहर आउट ऑफ स्टेट्स भी करने लगे। तो ऐसे ही एक दिन मेरा जो एक दोस्त है अरमान लामा बोल के, तो वो मेरा बहुत ही इंटू दोस्त है, तो उसने बोला कि एक ऑडिशंस आ रहा है तो करो। तो मैंने बोला नहीं करूँगा यार, नहीं, छोड़ दिया मैंने ये सब। तो उसने बोला नहीं करना चाहिए तुमको, करो। तो मैंने बोला ठीक है कोशिश करते बोल के वो ले गया मुझे। तो मैंने ऑडिशंस दिया, तो ऑडिशंस में लकीली मैं क्लियर कर पाया। तो बहुत एक होता ना एक मतलब खुशी मिली मुझे कि अरे चलो फाइनली हो गया एक ऑडिशन। तो मतलब पहली बार मतलब बहुत सारे दिए थे लेकिन कभी भी नहीं होता, लेकिन इस बार लक ने साथ दिया और मतलब ऑडिशंस क्लियर हो गए। उसके बाद मैं कोलकाता गया, कोलकाता ने उन्होंने स्टार जलसा नहीं बुलाया, तो सब उन लोग का ही मतलब एकोमोडेशंस फूडिंग सब उन लोग ने रखा हमें। तो फिर वहाँ पर भी ऑडिशंस हुआ, तो मतलब ऑडिशंस भी मतलब थोड़ा मुश्किल ही था, तो लेकिन भगवान की कृपा और सबके आशीर्वाद से मतलब क्लियर कर पाए, मतलब फर्स्ट ग्रैंड ऑडिशन में भाग मतलब टीवी में आया।
अच्छा सुभाष जी, एक चीज़ जो हम सब ने देखा, जो कार्यक्रम हो रहा था, पूरा कार्यक्रम आप आंखों में पट्टी बांध करके थे। ये एक मतलब लोगों के मन में भी एक ये काफ़ी सवाल था। और आप जितना प्रोग्राम हमने देखा, शायद 14-15 आपका शो हुआ और सब में ही आप पट्टी बांध, क्या कारण ऐसा क्या था कि पूरा पट्टी बांध के ही आप कार्यक्रम किए? एक्चुअली जिन्होंने देखा एपिसोड, ठीक है, जिन्होंने स्टार जलसा जो 9:30 के आसपास आता था, तो जित और डिज्नी ऑस्टर में भी जिन्होंने देखा, मतलब जिसने मेरा एपिसोड देखा या उस एपिसोड को देखा, उनको तो पता चल ही गया होगा। और जिन्होंने नहीं देखा, और मतलब इसका राज बस फर्स्ट एपिसोड में ही देखा जाएगा, मतलब उसके बाद अगर सेकेंड एपिसोड थर्ड एपिसोड देखोगे आपको पता नहीं चलेगा, कि सब के मन में आशंका हो जाएगा कि अरे ये लड़का, मतलब कोई कोई तो ऐसा भी बोलता था, अंधा हो क्यों तुम ऐसा भी बोलता था। तो मतलब जब उन लोग फर्स्ट एपिसोड देखेंगे तभी पता चलेगा ना। तो फर्स्ट एपिसोड में क्या हुआ, एक्चुअली मेरे गुरुजी कुमार सानू जी और कौशिक मैम, सोनू निगम सर, इतने महारतियों के साथ मतलब ग्रैंड ऑडिशन मैंने दिया उनके सामने में, तो मुझे, मैं बहुत ही नर्वस था, ठीक है। तो और मेरे गुरुजी कुमार सानू जी तो आगे थे, तो मैंने सोचा कि चलो अगर गुरुजी को देखूंगा तो मैं गा नहीं पाऊंगा, सच्ची में बोलूँ, क्योंकि छोटे से उनको सुनते आए थे, 90s के गाने सुन के हम लोग बड़े हुए, राइट। तो मैंने सोचा अगर उनको देख लूँ ना तो मैं गा नहीं पाऊँगा, चलो पट्टी बांध के गा लेता हूँ तो उनके सामने में कुछ अच्छा हो जाए। तो मैंने इसलिए फैसला किया कि पट्टी बांध के गाऊँगा और गुरुजी को बिना देखे मैं गाऊँगा, और भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छा हुआ। और एट द एंड जब गाना ख़त्म हुआ, गुरुजी मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे मतलब गले लगाया, मतलब इतना अच्छा गाया सुभाष तूने, मेरा दिल मतलब खुश कर दिया। लग मैं भी मतलब अगर जिन्होंने एपिसोड जो ग्रैंड ऑडिशन का एपिसोड फर्स्ट एपिसोड देखा है तो उनको पता चलेगा कि स्टेज में मैं कितना इमोशनली टच हुआ था। और कुमार सानू जी, सोनू निगम, इवन सोनू निगम जी स्टेज में आए थे और कौशिक मैम भी आए थे, मतलब इतना मतलब नज़ारा ऐसा था कि सब लोग रो पड़े थे, ऐसा मतलब नज़ारा हो गया था, मतलब इमोशनली इतना ये हो गया था ना, मतलब क्या बताऊँ, ये हुआ था मेरे साथ। अच्छा, हम लोगों ने भी देखा था आप काफ़ी इमोशनल उस समय भावुक हो गए थे जब सामने, जब कुमार सानू जी सब सामने थे, तो कैसा पल था वो आपके लिए? वो देखिए, सभी ना कभी ना कभी मतलब किसी ना किसी का तो ड्रीम होता है, एक सपना होता है, हमेशा वो सपना देखता है, या कभी भी सपना किसी ना किसी व्यक्ति के पास तो सपना होता ही है। तो मेरा भी एक सपना था कि कभी ना कभी मतलब बड़े मंच पे मुझे मौका मिले, राइट। तो मतलब वो मौका मुझे भगवान ने दिया, और वो भी मेरे गुरु के सामने में, कि उनके सामने में मुझे गाने का मौका मिला, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकता। तो वो मेरे लिए एक मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट और मेमोरी बन के मतलब हमेशा रहेगा। तो मैं मतलब क्या बोलूँ, मतलब बोल नहीं पाया था कुछ भी, स्टेज में लड़खड़ा गया था कि कुछ नहीं बोल पाया था, जो मतलब इतना खुश था मैं। बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे आप जा करके आए हुए हैं, तो अभी जैसा जो वातावरण है अभी कैसा मतलब होता है आपके साथ? अभी देखिए, पहले तो मतलब आदमी लोग सुभाष विश्वकर्मा बोल के पहचानते नहीं थे, राइट। अब चलो विधान बैंड के नाम से पहचानते थे, अभी भी पहचानते हैं। अभी स्टार जलसा सुपर सिंगर सीजन 3 में जाके मेरा एक अलग सा पहचान बन गया है, कि हाँ चलो सुभाष, मतलब मेरा एक सिग्नेचर है, अगर सुभाष बोलेगा ना मतलब फटक से आदमी लोग नहीं पहचानेगा, कोई मतलब नहीं पहचानेगा, पट्टी वाला सिंगर बोलेगा ना पहचान जाएगा, ये मेरा सिग्नेचर था, ठीक है। तो मतलब एक अलग ही पहचान बन गया उसने, उस प्लेटफॉर्म ने मुझे दिया है अलग सा पहचान। और पहले भी आदमी लोग बहुत प्यार करते थे मुझे, और उससे भी ज़्यादा अभी प्यार करने लगे हैं, ठीक है, आशीर्वाद है सभी का, तो अच्छा लगता है, मतलब ऐसा मतलब फील होता है कि चलो कोई तो मुझे पहचानता है, अच्छा लगता है ये सब। अच्छा सुभाष जी, कोई भी चीज़ में पहुंचने के लिए तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, और स्ट्रगल करके आप एक मुकाम में जब पहुंचते हैं तो उसके लिए भी एक मेन परिवार और दोस्तों का साथ बहुत ज़रूरत है, किस तरह का सहयोग आपको मिला परिवार? देखिए स्टार जलसा, ठीक है, सुपर सिंगर सीजन 3 में जाने से पहले भी मुझे दोस्त लोग, फैमिली लोग, जितने भी मेरे अड़ोस पड़ोस है या मेरे मतलब जो खानदान है, उनका सबका सहयोग
हमेशा से रहा है मेरे ऊपर। तो इस्टर जलसा में जाने के बाद भी मुझे बहुत सारे ने मतलब प्यार आशीर्वाद फ़ोन करते थे, मेरे सर लोग दोस्त लोग फ़ोन करते थे कि सुभाष आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि अभी तुम मतलब उस प्लेटफॉर्म में तुम्हें प्लेटफॉर्म मिला है, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तुम्हें टीवी में देख रहे हैं हम लोग, मतलब ऐसा बोलते। तो यही मेरे लिए बड़ी बात है कि चलो किसी ने मुझे देखा या मेरे दोस्त लोग ने देखा, उन्होंने मुझे याद किया, फ़ोन किया, तो हमेशा मतलब आशीर्वाद ब्लेसिंग्स उन लोग का रहा है। सुभाष जी एक चीज़ है, स्टार जलसा का एक्सपीरियंस आप थोड़ा शेयर कीजिए हम लोग के साथ। देखिए स्टार जलसा पहली बात तो ये एक बहुत ही बड़ा रियलिटी शो है जिनमें महागुरु कुमार सानू जी, कौशिकी चक्रवर्ती जी, सोनू निगम जी और बहुत सारे जो गेस्ट आए थे जैसे अमित कुमार जी हुआ, मोनाली ठाकुर जी हुए, उदित नारायण जी, ठीक है, और बहुत सारे महादिग्गज आए थे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि स्टार जलसा ने मुझे एक प्रोफाइल दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया और मुझे सीखने का मौका दिया। वहाँ पर जाके मैंने बहुत कुछ सीखा, ठीक है, क्योंकि हमारे जो सिखाने वाले मेंटोर थे बहुत ही अच्छे, एज अ फ्रेंड इतना इंटू थे बहुत, अगर कुछ नहीं हुआ जब भी अगर गाने में कुछ प्रॉब्लम मतलब हरकत वगैरह जैसे होते हैं गाने में, अगर मतलब समझ नहीं आया तो फ़ोन करके पूछते थे या मतलब उन लोग आते थे, मतलब जहाँ हम लोग बैठते थे तो आते थे वहाँ पर तो बताते थे। तो सबसे क्या है मतलब बहुत कुछ नया सीखने को मिला, नया चीज़ जो होता है हम लोग नहीं पता था, हमें नहीं पता था, तो वो चीज़ बहुत नया चीज़ सीखने को मिला और उसी चीज़ को अभी हम अप्लाई कर रहे हैं शोज़ वगैरह, वह अभी जो चल रहा है मेरा शोज़ वगैरह और जो प्रैक्टिस वगैरह चलता है तो उसी चीज़ में हम लोग वो जो सर लोग सिखाए वो उसको हम अप्लाई कर रहे हैं, बस यही है, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। सुभाष जी हम लोग देखते हैं कि अभी तो आपको काफ़ी शो मिल रहा है और लोगों की काफ़ी भीड़ भी होती है, तो आगामी दिनों में क्या योजना है आपका, क्या मतलब जैसे एक बड़े सुपरस्टार सभी को बनने का शौक रहता है, आपका क्या शौक है किसी तरह बनने का? देखिए मुझे बड़ा स्टार तो नहीं बोलूँगा, ठीक है, तो मुझे एक परफॉर्मर बनना है जो कि शोज वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा करे, ठीक है, और ऐसे भी शोज तो हो ही रहा है और अगर कहीं पर प्लेबैक का सिंगर का अपॉर्चुनिटी अगर मिले तो मैं ज़रूर उसमें भी कोशिश करूँगा, बस यही है और तो क्या बोलूँ, बस शोज एक परफॉर्मर की तरह शोज मिलते रहे और एक इच्छा भी है कि अपना जगह में शो करूँ, तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। सुभाष जी आपका घर में एक्चुअली कौन कौन है और आपका स्टडी जो है आपने कहाँ से किया था? मेरे घर पे मेरी मम्मी है, मेरी वाइफ, मेरा भाई और मेरा छोटी बहन और दीदी भी थी, दीदी का तो शादी होगी, तो फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है मेरा और मैंने अपना एजुकेशन ग्रीन व्यू इंग्लिश स्कूल से किया, उसके बाद फिर जेनिथ से किया, तो कॉलेज मेरा कंप्लीट हुआ बीरपाड़ा कॉलेज से जो नॉर्थ बंगाल, तो ग्रेजुएट किया मैंने, तो बस। अच्छा सुभाष जी आपने बहुत समय दिया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन आप जो हमारे शो में आए हैं आपका एक दो कुछ सुंदर गाना जो दर्शक सुनना चाहेंगे आपकी आवाज़ से, एक दो गाना प्लीज़ बताइए। जो सुपर सिंगर सीजन 3 में मेरा फर्स्ट गाना था जब किसी की तरफ, तो जी वही गाऊँगा और आशा करता हूँ कि सभी की जो गाना पसंद आएगा। जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, बात आकर जुबा तक रुकने लगे, आंखों आंखों में इकरार होने लगे, बोल दो अगर तुम्हें प्यार होने लगे। बस एक गाना और भी कोई गाना जो आपको पूरा शो में काफी दिल को छुआ हो, ऐसा कोई गाना?
ये एक्चुअली ये गाना सभी का फेवरेट है, 90s का ही गाना है, कुमार सानू जी का ही। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तो दास तेरे पास पास में रहूंगा जिंदगी भर, ना हो तो दास तेरे पास पास में रहूंगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझे में पाया, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। बहुत अच्छा सुरीला आवाज है आपका, मतलब दिल को डायरेक्ट छू जाता है। सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। और हमारे जो जयगांव है, खास करके जयगांव, क्योंकि काफ़ी बैकवर्ड है हम लोग, और इस क्षेत्र को आप आगे ले जाइए, सभी जगह हम लोग का जयगांव का नाम हो, हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम हो, हम यही कामना करेंगे। और आप एक भारत में एक अलग पहचान बनाए, ये हम लोग जयगांव टुडे की ओर से आपको शुभकामना देते हैं। धन्यवाद। और मैं जयगांव टुडे और जयगांव टुडे के जितने भी व्यूवर्स हैं और मेरे प्यारे दादा सिद्धू दादा को थैंक यू देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया जयगांव टुडे में आज उनके साथ थोड़ा सा समय बिताने के लिए। थैंक यू सो मच, बस ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए, प्यार करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको भगवान मानता हूँ, मैं आपको अगर देख लूँ तो मेरे गले से आवाज़ ही नहीं आएगी।